لم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سونے نبی دا دل وچ قیام، سونے نبی دا دل وچ قیام، بھیجے خدا خود درود و سلام. سونے نبی دا سونے نبی دا آدم تو عیسیٰ سارے پیغمبر پیچھے کھڑے نے اقصاد اندر اقصاد اندر من لئی امامت اللہ اکبر من لئی امامت اللہ اکبر نبیاں دی صف دا چنیا امام سونے نبی دا سونے نبی دا چن دے ٹوٹے کر کے وخاوے پتھرانو سونا کلمہ پڑھاوے کلمہ پڑھاوے پانی دا برتر چشمہ بناوے پانی دا برتر چشمہ بناوے ساقی پلاوے کوثر دے جامے سونے نبی دا سونے نبی دا طائف دے لوکا پتھر وسائے پنڈا لہو وچ بھجیا پہ آئے بھجیا پہ آئے زخمان دے بدلے دیندا دعائے زخمان دے بدلے دیندا دعائے پھلاں دی بارش جس دا کلام سونے نبی دا سونے نبی دا محشر نیو کا بخشش تا موڑے مینو ڈران دی عملان دی تھوڑے عملان دی تھوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے کملی والے دی شفاعت دلوڑے افضال اس دا ادنا غلام سونے نبی دا سونے نبی دا
मुख्तसर हमद सना और दुरूद व सलाम देबा। मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी मुअज़्ज़ज़ात मुकर्रमात इस्लामी रूहानी माओं और बहनों, अल्लाह ताला दा एहसान अजीम है जिस रब्बुल आलमीन ने सानू इंसान बनाया और मुसलमान बनाया। सब तो पहले अपने मालिक व खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन दा इंतहाई ज़्यादा शुक्र गुज़ार हाँ कि जिस रब्बुल आलमीन ने अपनी तौफीक ख़ास नल मैं ना चीज़ इंसान नू वादा वफा करन दी तौफीक अता फरमाई। और अपने उन अहबाब का भी शुक्र गुज़ार हाँ जिन्होंने कुरान और सुन्नत दियाँ बातें सुनन सुनाण वास्ते हाज़री का मौका दिता। मेरी मुराद इस मस्जिद की इंतज़ामिया, मुआमिनीन, मुंतज़मीन, अहबाब जमात, अहले गाँव, बिलखसूस तुहाडी मस्जिद के इमामो खतीब मोहतरम अशेख मुफ्ती इमरान नदीम साहब हाफिज़हुल्लाह, दीगर रुफाका और मोहतरम भाई लियाकत साहब, अल्लाह तमाम दियाँ मेहनतां अपनी बारगाह आलिया कबूल फरमा लें। तुसी जितने अहबाब अल्लाह ताला दी रज़ा और रहमत वास्ते अल्लाह दे घर तशरीफ ले आयो, अल्लाह तुहाडा सारिआं दा आना कबूल फरमाए। हज़रात मोहतरम, रबीउल अव्वल दा मुकद्दस महीना है, वैसे तो पूरा साल ही अल्लाह ताला दी तौफीक व रहमत नाल उलमा, खुतबा, वाइजीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत, आप दे फजाइल व मनाकिब बयान करते ही रहते हैं। मगर इस महीने के अंदर जरा कसरत नाल आप दी शान पाक और आप दे फजाइल का जिक्र होता है। मैं हुक्म भी मैनू ये मिलया है तो मुनासबत नाल मौके की मुनासबत भी यही बनती है कि मैं नबी पाक इस्लाम की शान और आप दी सीरत बयान कराँ। आओ जरा तवज्जो फरमाओ, अज मैं नबी पाक दी शान बयान करनी है मगर थोड़े जे वखरे जे अंदाज नाल। अगर तुसी तवज्जो करोगे फायदा भी होएगा तो तुहानू मज़ा भी आएगा इंशाअल्लाह। हदीस पाक अंदर आंदा है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जदों अल्लाह ताला किसे बंदे नाल मुहब्बत करते ने, प्यार करते ने, अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहि सलातु वसलाम नू हुक्म देंदे ने कि जिब्राईल फलां बंदा दुनिया अंदर मैनू बड़ा ही महबूब है, बड़ा ही प्यारा है, मैं अल्लाह भी उहदे नाल प्यार करना ते तू भी उहदे नाल मुहब्बत करिया कर। ते अल्लाह ताला दे हुक्म दी वजह तो हज़रत जिब्राईल अलैहि सलाम भी फिर अल्लाह दे उस वली नाल मुहब्बत करन लग जांदे ने। फिर अल्लाह दे हुक्म नाल हज़रत जिब्राईल अलैहि सलातु वसलाम सारे मलाइका फरिश्तियां नू हुक्म देंदे ने कि दुनिया अंदर फलां बिन फलां बंदा अल्लाह नू बड़ा महबूब है, मैनू भी उहदे नाल प्यार है, तो तुसी भी उहदे नाल प्यार करिया करो। सारे फरिश्ते भी उहदे नाल प्यार करन लग जांदे। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बंदे अपने ते इस कदर मेहरबान होंदे ने कि अल्लाह अपनी हर मखलूक दे सीने अंदर उहदी मुहब्बत पैदा कर देंदे ने, उहदा अदब और हया पैदा कर देंदे ने। साडा इह ईमान है अल्लाह ताला दी तमाम मखलूकात दे विचों अशरफुल मखलूकात इंसान है। इंसानां विचों अल्लाह ताला दे महबूब और बरगुजीदा अल्लाह दे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने, अंबिया अलैहिस्सलाम दी जमात, फिर सारे नबियां विचों अल्लाह नू सब नालों ज़्यादा महबूब मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ात पाक। फिर ये बात भी वाज़े हो गई, अल्लाह भी मेरे महबूब नाल मुहब्बत करते ने, अल्लाह दे फरिश्ते भी मेरे नाल नबी नाल मुहब्बत करते ने, ते जमीन दा चप्पा चप्पा मेरे नबी नू जानदा भी है ते पहचानदा भी। अल्लाह ताला दी हर मखलूक दे सीने अंदर मेरे नबी दी मुहब्बत मौजूद। एक ते इहदी वजह यह है कि दुनिया सारी महबूब नू जानदी है कि अल्लाह महबूब नाल प्यार कर दे। दूसरी वजह यह भी मेरे महबूब कल्ले इंसानां वास्ते नहीं पूरी कायनात वास्ते नबी बन के आए। मैं अज मौजू बयान करना है, मेरा नबी ते वल्ला कायनात दा नबी है, एक मखलूक दे नहीं पूरी कायनात दे नबी बन के आए। आओ जरा तवज्जो फरमाओ, अल्लाह दे मैं दावा कीता है, दलाइल पेश करा कुरान सुन्नत विच। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया, खालिक कायनात दा कुरान इस बात का ऐलान करदा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमांदे ने कुल या अय्युहन्नास
رسول الله إليكم جميعا اللہ رب العالمین نے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے کلام نازل فرمایا اللہ تعالیٰ دا قرآن میرے نبی دے قلب اطہر تے نازل ہویا اللہ فرما دے نے اے کملی والیا سونیا محبوبا میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ میری واری تسی تھکے بیٹھے ہو یار توجہ ہے وے او نا ایک بندہ بڑی دوروں آیا گل سنو بڑی دوروں سفر کر کے تے چودھری صاحب دے ڈیرے چ آ کے بہ گئے چودھری صاحب پوچھا بھی پرانے بڑی دوروں آیا کی کھائیں پیئیں گا انہیں کہا چودھری جی چاواں بڑیاں پیتیاں شہراں چ پینڈ دی سوغات لسی پیاؤ چودھری گیا بھی لسی کر دی کوئی گل نہیں وہ کر گیا چودھرانے نو کہا بھی لیا بھی لسی دے انہیں کہا چودھری جی دودھ دودھ ہی لے جانا لسی کتوں آئی نہیں ہوں بےزتی کا مسئلہ ہے لسی لیا وہ جڑی جاگ والی تھوڑی بچائی سی نا وہ لسی انہیں جناب شیشے کا جگ لیا بچ ادھا گلاس لسی پائی اتو پانی پا کے نہ انہیں لسی ودا کے جگ بھرتا ہوں پنڈا کے ویڑے آتے ہوں وڈے آپ دیہاتی میں بھی راوی کا رہن والا سائی وال وہ لے کے جدو آئے نا پنڈ پنڈ کا آتا سی وڈا پھڑ دیا کر دیا پھڑا دیا جدو پرونے کو لے کے آئے لسی تھلے بہ گئی تو پانی اتنے آ گیا تو پرونا ویخ کے پیوے نہ تو کہہ تو پیندا نہیں کہہ چودھری جی ویخ رہا بھی تھکیا میں بھی بڑا پر لسی میرے نال بہت ہی تھکی ہوئی تھکیا تو میں بھی ہاں تو پر تھوڑا ہونے نال ہی کام ہوا پیا خیر ہے وے ذرا بیدار ہو وہ سونے نبی دا نام آئے تو جڑا درود نہ پڑے وہ بڑا شوم بندہ ہے یار نبی پاک دا نام آنا تو درود ذرا گج بج کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلو میں آغاز اندر ہی تہانوں ذرا بیدار کرنے واسطے ہوشیار کرنے واسطے ایک محبت دا ترانہ سناواں میرے نبی دا نام بڑا سونا بڑا پیارا سب نام پیارے نبیاں دے سب نام پیارے ولیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ مولا دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا اون مال و زر دی لوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں کس نعمت دی کوئی تھوڑ نہیں زر مال تے شایاں بھول ویندے زر مال تے شایاں بھول ویندے جو بنے دا غلام محمد دا سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا جملے نے تہاڈا دل تڑپا دینا بڑا پیارا جملہ ہے محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراں وی وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب اکرام محمد دا سب نام مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر عمر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر گلی گلی نگر نگر نعرہ تکبیر سب نام پیارے نبیاں دے ہے وکھرا نام محمد دا تسی تے مسجد اندر بہ کے پیار نال نہیں بول دے آؤ میں تانوں نبی پاک دے پروانے دی گل سناواں مارا تے مارا کھا کے وی
बिलाल ते चुप नहीं रहिंदा सी, बिलाल ते चुप नहीं रहिंदा सी, तन झुलस गया लावे फिर भी, तन झुलस गया लावे फिर भी, नारा सरयाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे नबियां दे है वखरा नाम मुहम्मद दा, है वखरा नाम मुहम्मद दा। और भाई अफीदुरमान बलोच साहब दी तकरीर दी ताईद अंदर एक जुमला सुन लो ना प्यार वाला, संग दिले भी कोल जे आ जांदे मुख तक लेंदे दिल दे बांदे, मुख तक लेंदे दिल दे बांदे, काफर भी रात नू छुप छुप के, दुश्मन भी रात नू लुक लुक के, आ सुनैन कुरान मुहम्मद दा सब नाम प्यारे नबियां दे है वखरा नाम मुहम्मद दा। दुआ करिए दुआ करिए, ए हसरत पूरी कर मौला, बुलवा ले अपने घर मौला, बुलवा ले अपने घर मौला, जावे के मदनियो मंजर, जावे के ए मजमा ओ मंजर, जिथे है आराम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे नबियां दे है वखरा नाम मुहम्मद दा। और जेड़े मेरे मजलस दे अंदर वीर आके बैठे ने, जिन्हां नूं अज तक गलत फहमियां नहीं लिया होया है, जेड़े कहिंदे ने देवबंदी लोग ए वाबी लोग ए अहले हदीस लोग अल्लाह दे नबी दी अजमत बयान नहीं करदे, शान बयान नहीं करदे, जुमला सुन तड़प जा जुमला सुन। अल्लाह दे बाद जमाने विच मौला दे बाद जमाने विच है चर्चायाम मुहम्मद दा सब नाम प्यारे नबियां दे है वखरा नाम मुहम्मद दा। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम करोड़ों मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हजरात तवज्जो करे अज गौर करे अज, अल्लाह फरमांदे ने कोलिया अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, फरमाया दुनिया कायनात दे लोगो असा अपने पैगंबर नू भेजिया। अल्लाह फरमांदे ने कोलिया अय्युहन नास, सुनिया ऐलान करो ना, दुनिया वाले नू पैगाम सुनाओ ना, दुनिया वालियां दे सामने बयान कर छड़ो, इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया। पहले नबी दुनिया दे अंदर जितने भी आए, कोई अपनी कौम दा नबी बन के आया, कोई कबीले दा नबी बन के आया, कोई मशरक वाले आंदा, कोई मगरब वाले आंदा, कोई शुमाल वाले आंदा, कोई जनूब वाले आंदा, अल्लाहु अकबर, कोई गोरे आंदा, कोई काले आंदा। नबी आए दुनिया दे अंदर 1,24,000 पैगंबर, मगर वक्त दे लिहाज नाल महदूद नबूवत लेके आए, इलाके दे लिहाज नाल महदूद नबूवत लेके आए। मगर जदों मेरे नबी दी वारी आई, जदों आमिना दे लाल दी वारी आई, जदों पैकरे उसनों जमाल दी वारी आई, जदों साहिब शर्फो कमाल दी वारी आई, वलैल दियां जुल्फां वाले दी वारी आई, महारमईता इदरमईता दे हत्थां वाले दी वारी आई, कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा दी पशानी वाले दी वारी आई, मां दा गल्ब सर दे काजल वाले नबी दी वारी आई। ते अल्लाह फरमांदे ने इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, सोनिया असा तनु मशरक दा नबी नहीं बनाया, मगरब दा नबी नहीं बनाया, शुमाल दा नहीं, जुनूब दा नहीं, नूरियां दा नहीं, नारियां दा नहीं, अरबियां दा नहीं, अजबियां दा नहीं, गोरियां दा नहीं, कालियां दा नहीं, बल्कि असा तनु पूरी कायनात दा नबी बनाया है, जमीन आसमान दा नबी बनाया है, जिन्नो इंसान दा नबी बनाया हैवाना ते शैतान दा नबी बनाया, इन्हां जनाब इंसानां ते जनाब परिंदियां दा नबी बनाया,
पूरी कैनात का नबी बना करके भेजिया है, पूरी कैनात का रहबर बना करके भेजिया है, पूरी कैनात का अल्लाह अकबर हादी और रहनुमा बना करके भेजिया है। हजरात मोहतरम तवज्जो करना, गौर करते जाना, अल्लाह के कुरान की एक होर आयत दलील के तौर पर सुन लो। अल्लाह फरमाते ने वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने दुनिया कायनात दे लोगो, असा अपने पैगंबर नू रिसालत अता कीती है और असा अपने नबी नू अल्लाहु अकबर जहाना वास्ते रहमत बना करके भेजिया है। जहाना वास्ते रहमत, एक जहान आलम अरवा वाला, एक जहान दुनिया वाला, एक जहान आखरत वाला। आलम अरवा के अंदर भी मेरा नबी सारिया वास्ते रहमत, आलम दुनिया अंदर भी मेरा नबी सारिया वास्ते रहमत, ते आलम बरकत अंदर भी मेरा नबी सारिया वास्ते रहमत। अल्लाहु अकबर। हज़रत मोहतरम आलम अरवा के अंदर भी मेरे नबी सब तू ची शान वाले, सब तू ची आन वाले, दुनिया के अंदर भी मेरा नबी अल्लाहु अकबर सरदार पूरी इंसानियत का, आखरत के अंदर भी नबियां का गवाह मेरा आमिन अंदलाल पैकरे उसनो जमाल। तवज्जो करना, गौर करते जाना, लफ्ज़े आलमीन भी एक गल तुहानू सुनावा। अल्लाहु अकबर कुरान पाक अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जदों तारफ कराया ना कुरान पाक दा, ते अल्लाह ताला ने फरमाया इन हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। ए जिहड़ा अल्लाह दा ज़िक्र है ए जहाना वास्ते वे, ए कुरान पाक अल्लाहु अकबर उस तो हिदायत दा समान जहाना वास्ते वे। जदों अल्लाह ताला ने अल्लाहु अकबर कुरान पाक अंदर अपने घर बैतुल्ला दा तज़किरा कीता, ते अल्लाह फरमांदे इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक वा हुदल लिल आलमीन। फरमाया है जिहड़ा साडा सब तू पहला घर बैतुल्ला है, ये असी जहाना वास्ते जनाब हिदायत दा मरकज बना छड़िया। ते जदों अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात दा तारफ कराया, अल्लाह फरमांदे ने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फरमाया लोगो तारीफां सारियां मेरियां, हमदां सारियां मेरियां, सनावां सारियां मेरियां, क्योंकि मैं जहाना दा पालनहार हां। ते जदों आमिना दे लाल दी वारी आई फिर अंदाज़ होई ए, फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाहु अकबर। वाला फरमांदे ने कुरान लोगों वास्ते हिदायत दा ज़रिया है, अल्लाहु अकबर जहाना वास्ते हिदायत दा ज़रिया बन के आया है, ते बैतुल्ला जहाना वास्ते हिदायत दा मरकज बन के आया है। मैं खुद अल्लाह जहाना दा पालनहार हां, मेरा नबी जहाना वास्ते रहमत बन के आया है, बरकत दा समान बन के आया है, निजात दा समान बन के आया है। अल्लाहु अकबर। मैं अर्ज कीता मेरा नबी एक कौम दा नहीं, एक कबीले दा नहीं, पूरी कायनात दा नबी बन के आया। अल्लाह दे कुरान भी एक होर दलील तुहाडे सामने रखा, तवज्जो करना सीना ठर जाए। हजरात ने मोहतरम गौर करते जाना, नबी पाक अलैहि सलाम दी अजमत ते शान सुनावा सुनावा तुहानू वखरे अंदाज दे नाल। अल्लाहु अकबर। हजरात ने मोहतरम जितने नबी दुनिया अंदर आए सारे शान वाले, सारे अजमत वाले, सारे इज्जत वाले, मगर आमिना दे लाल दी गल सुनावा। अल्लाहु अकबर। हजरात ने मोहतरम जितने नबी आए ने कोई नबी वक्त दे लिहाज नाल महदूद नबूवत लै के आया है, कोई इलाके दे लिहाज नाल महदूद नबूवत लै के आया है। जदों मेरे नबी दी वारी आई है ते अल्लाह ताला पता है की फरमांदे रे, फरमाया वमा अरसलना का इल्ला काफतन लिन्नास बशीरम व नज़ीरा। फरमाया सोहणिया किसे नू मैं अरबियां दा नबी बनाया, किसे नू अजमियां दा नबी बनाया है, मेरिया सोहणिया मैं तेनू जहाना दा नबी बनाया है। मैं तुहानू अल्लाहु अकबर ऐसी आलमगीर रिसालत अता कीती है, पहले नबी या इलाके दे लिहाज नाल महदूद नबूवत सी या वक्त दे लिहाज नाल महदूद नबूवत सी, पर सोहणिया तुहाडी नबूवत ला महदूद है। हुण क्यामत आ जाएगी, कोई दुनिया ते नबी नहीं आएगा, क्यामत आ जाएगी दुनिया ते होर कोई रसूल बन के नहीं आएगा, क्यामत आ जाएगी हुण किसे दा सिक्का नहीं चलेगा। और सोहणिया मैं तेनू एडा शान दिता है, दुनिया अंदर ओ थां थां नहीं होएगा जिथे तेरा नां नहीं होएगा। मैं तेनू एडा शान अता कीता है, एडा मुकाम अता कीता है। हजरात मोहतरम तवज्जो करते जाना, गौर करते जाना, फिर मैनू कहना पैना इन्हां सारियां आयतां दा तर्जमा तुहाडे सामने करां अपने मौजू दे मुतलका। एक फर्द दा नबी ना
एक जात दा नबी है, एक फर्द दा नबी ना, एक जात दा नबी है। मेरा नबी ते वल्ला कायनात दा नबी है, एक फर्द दा नबी ना, एक जात दा नबी। गल सुने जे महदूद जई नबूवत लैके ओ नहीं आया, सारे जहान दाओ राहबर है बन के आया। हर बशर दा नबी जिन्नात दा नबी है, मेरा नबी ते वल्ला कायनात दा नबी है। सूरज चन ते तारे मन दे ने उसनु सारे, सूरज चन ते तारे मन दे ने उसनु सारे। पत्थर भी जिस दी मन के कलमा पिया पुकारे, पत्थर भी जिस दी मन के कलमा पिया पुकारे, पत्थर भी जिस दी मन के कलमा पिया पुकारे। मनना पवेगा दिन ते ओ रात दा नबी है, मेरा नबी ते वल्ला कायनात दा नबी है। इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, पूरी कायनात दे नबी बन के आए ने। हुण मैं दलाल पेश कर दी थी अल्लाह दे कुरान विचों, आओ तुहानू हदीसे पाक सुनावा। इमाम ताज़ा हो जाए मजमू ज़वायद दी सही रवायत है, सिलसिला हदीसु सैयद दे अंदर भी अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह इस रवायत नू लै करके आए ने। हज़रात मोहतरम रावी बयान करदा है, एक दिन मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम अपने यारां दे नाल, अपने सहाबा दे नाल, अपने हुबदारां दे नाल, अपने जानिसारां दे नाल एक सफर अंदर ने। जल्दियां चलदियां रस्ते अंदर मेरे नबी ने, हुण बड़ी तवज्जो नाल गल सुणिया जे, बड़ी तवज्जो नाल, मेरे नबी ने कदाए हाजत दा इरादा बना लिया। अल्लाह दे नबी कदाए हाजत करना चाहते ने, मेरे नबी विशाप करना चाह रहे, ते मेरे नबी वेख रहे ने कोई मैनू ओला लभ जाए, कोई और लभ जाए जिहदे पिछे जा के मैं कदाए हाजत कर लवां। सज्जे वेखिया कोई ओला नजर नहीं आया, खब्बे वेखिया कोई ओला नजर नहीं आया, एक चट्टियल मैदान है कोई ओला नहीं, कोई पत्थर नहीं, कोई पहाड़ी नहीं। मेरे नबी दी नज़र पई इस मैदान दे अंदर, दो दरखत मेरे नबी नूं नज़र आ गए, दो दरखत, एक मैदान दे इस किनारे ते, दूसरा दूसरे किनारे ते। अल्लाह दे नबी चले गए उस दरखत दे करीब। सहाबी बयान करदा नबी पाक ने उस दरखत दी एक शाख नूं अपने हथ अंदर पकड़ लिया है, इंज शाख नूं पकड़िया ते फरमाया शजर है मैनूं जानना है, मैं अल्लाह दा नबी हाँ, अल्लाह दा रसूल हाँ। अल्लाहु अकबर, मैं अल्लाह दा नबी तैनूं हुक्म पिया देना वा, मेरे पीछे पीछे टुरना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे। अल्लाहु अकबर, चीचा वतनी दियो बासियो, और 12/7 हार दे रहन वाले हो, मैं जिहड़ा पैगाम लैके आया बड़ी मुहब्बत दा पैगाम लैके आया, अमन दा पैगाम लैके आया, भाईचारे दा पैगाम लैके आया, अखुवत और रवादारी दा पैगाम लैके आया, इतफाक इतहाब दा पैगाम लैके आया, नबी दी मुहब्बत दा बयान पिया करना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंज करके पकड़ लियो दी शाख, ते मेरे नबी फरमांदे शजर है, मैं अल्लाह दा नबी तैनूं हुक्म देना, मेरे पीछे चलना शुरू कर दे। अल्लाहु अकबर, चीचा वतनी दे अब्बासी आ, उस दरख्त ने जमीन विच जड़ां बाहर कढ़ियां, ते मेरे नबी दे पीछे टुरन लग गया है। अल्लाह दे नबी अगे अगे जा रहे, दरख्त मेरे नबी दे पीछे पीछे जा रहा है। इस दरख्त नूं अल्लाह पैर कोई नहीं दिते होए, इस दरख्त नूं अल्लाह ताला कान कोई नहीं दिते होए, ये फिर भी मेरे नबी की गल सुन के, मेरे नबी का कहना मन के, मेरे नबी दे पीछे जा रहा है। मेरे नबी दूसरे दरख्त के करीब लै गए, मगर इन अंदर जे खला बाकी है, ओला चंगा तैयार नहीं होया। मेरे नबी दोनों दरख्तों की एक एक शाख नू पकड़िया, एक हाथ अंदर उस दरखत की शाख, एक हाथ के अंदर इस दरखत की शाख पकड़ लीए। तो नबी पाक ने इंज करके दोनों दरख्तों नू हुक्म दिता, शजरो मैं अल्लाह दा नबी तुनू हुक्म देना, इंज मिल जाओ आपस अंदर, एक जहान हो जाओ, जेडे दो दरखत जे एक दरखत की शक्ल इख्तियार कर जो। मेरे नबी का कहना सी दरखत इंज करके दोनों एक जहान हो गए,
एक दरखत की शक्ल इख्तियार कर गए, हुण चंगा ओला तैयार हो गया। अल्लाह दे नबी इन्हां दी दूसरी सैड ते गए, मेरे नबी कदाए हाजत फरमाई, नबी पाक अलैहिस्सलाम कदाए हाजत तो फारग होए ते मेरे नबी ने इन्हां दोनों दरख्तां नूं इन्हां दोनों शजरां नूं पकड़ के आख्या, हुण जाओ अपनी अपनी जगह ते लौट जाओ, चले जाओ ना। अल्लाहु अकबर, मैं कुरबान जावां, दरख्तां नबी दा हुक्म सुनिया ते जनाब चल पै अपनी अपनी जगह ते वापस जाके जमीन अंदर पैवस्त हो गए। हज़रात मोहतरम, मैं तसव्वर आपकी दुनिया अंदर गया ते मैं उन्हें दरख्तों सवाल किया, वे शजरों तुहानू की बनिया, तुसी लकड़ां जे, तुसी लकड़ियां जे, तुहानू जला दिता जांदा है, मुका दिता जांदा है, खत्म कर दिता जांदा है। तुहाडे कोल कन्न भी कोई नहीं, अखां भी कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, जबान भी कोई नहीं, दिमाग भी कोई नहीं, तुसी अल्लाह दे नबी का कहना किवें मनदे पै जे? तुहानू की बनिया सी इंसान आ, असी मनी अल्लाह दे नबी का कहना, यह होर गल है, तुसी किवें कहना मनदे हो? ते जान दिओ चीजा वतनी दिओ बासी हो, मेरा दिल आंदा है, मेरा तसव्वर आंदा है, कैनाप दा रब अगर इन्हां दरख्तां नूं ज़बान देवे ते बोलण ते उन्हां दा जवाब पता की आएगा? मौलवी जी दरा आराम नाल, ए नबी कोई कल्ला तुहाडा नहीं, साडा भी नबी बन के आया है। मेरा नबी ते वल्ला कायनात दा, ओ दरख्तां दा भी नबी है। अल्लाहु अकबर, शजर कहणगे साडा भी ते नबी, कोई तुहाडा कल्यां दा नबी ते नहीं है। हज़रात मोहतरम, तवज्जो करना, गौर करदे जाना, पता लगा दरख्त भी मेरे नबी नूं पहचान दे, दरख्त भी मेरे नबी दा अदब इहतराम कर दे। हज़रात मोहतरम, हुण गल इक शरीयत तुहाडे नाल करनी है, बड़ी तवज्जो नाल सुणिया जे। अल्लाहु अकबर, चीचा वतनी दे बासी हो, बारह सैमिनार दे रहण वाले हो, इस फकीर दी गल ते हुण खसूसी तवज्जो दिया जे। यार तकरीरां सुनिया करो, बयान सुनिया करो, मगर खुदा रा उन्हां तकरीरां दे विचों कोई दरस भी हासिल करिया करो, कोई इबरत भी हासिल करिया करो। असल ते मकसद होंदा है जलसे दा, असल ते मकसद होंदा है दरसे हदीस कुरानी कुरान कुरान दरसे कुरान दा, कि लोगां नूं जनाब नसीहत कीती जाए, लोगां दी तालीम और तरबियत होवे। हुण इह जिहड़ी मैं हदीस तुहानूं सुणाई है, नबी पाक दी अजमत भी बयान होगी, शान बड़ा लै, पर इस हदीस विचों सानूं कुछ सबक भी ते लब्बे ने, वह भी ते हासिल करना चाहिए ने। उलमा दे कसीर तादाद अंदर बैठे ने पढ़े लिखे लोग, उलमा की नज़र अंदर, तुहाडे शेख खतीब साहब कारी साहब की नज़र अंदर काफ़ी सारे मसायल आउणगे हदीस दे जनाब तात, मगर तीन गल्लां मैं फकीर की समझ अंदर जड़ियाँ आईया ने इस हदीस के विचों, जड़े वड्डे वड्डे सबक मिले ने, वह मैं तुहाडे सामने अर्ज करना। शायद अल्लाह ताला सानूं अमल की तौफीक दे देवे। सब तो पहला सबक जवाना, सब तू पहला सबक इस हदीस विचों पता है सानू कि मिले है। रावी बयान करदा, अल्लाह दे नबी कदाए हाजत करना चाहते सन ते मेरे नबी वेख रहे ने कोई ओला मिल जाए, कोई ओड़ मिल जाए। पता लगा अल्लाह दे नबी ओले तू बगैर कदाए हाजत नहीं सी करया करदे। अल्लाह दे नबी इतने बाहया इंसान सन, एडे शर्मा वाले इंसान सन, मेरे नबी ने पहले ओला तैयार किया है, पहले ओड़ बनाई है, फिर कदाए हाजत की है, एवें सरेआम नहीं बैठे मेरे नबी। मेरे नबी चाहते सहाबा नू कहिंदे, यार अपना मुंह जरा परले पासे कर लो, मैं कदाए हाजत कर लवां, जरा अगे चले जाओ, थोड़े पीछे चले जाओ, मैं कदाए हाजत कर लवां। बल्कि नहीं नहीं, मेरे नबी ने पहले ओला बनाया, पहले ओड़ बनाई, फिर कदाए हाजत की थी। क्योंकि लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाह उस्वतुन हसनतुल लिमन काना यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वज़कर अल्लाह कसीरा। मेरे नबी उम्मत वास्ते मसाले राह बन के आए ने, उसवे हसना बन के आए। मेरे नबी अपनी उम्मत नूं पैगाम दिता है, जदों कदाए हाजत करनी है ओले च जाके करनी है। ओए जवानों, बह जांदे हो नदी नालियां ते पेशाब करन वास्ते, बह जांदे हो अड्डियां दे अंदर कदाए हाजत करन वास्ते। ओए नहीं वीरिया, ओले च जाया कर, तेरा नबी बड़ा हया वाला नबी सी। बाद दफा मैं वेखिया जनाब, बिलखसूस साढ़े देहात अंदर ते शहर अंदर भी यो कम ने, लोग बैठे होंगे ने फुटपाथा ते पेशाब करन नूं, उत्थों ही औरतां गुजर रही ने, उत्थों ही मर्द गुजर रहे ने। ओए जिहड़े नबी दा कलमा पढ़े, वह नबी बड़ा हयादार नबी सी, बड़ा शर्मा वाला नबी सी। अल्लाह दिया बंदिया, कदी गौर ते करिया कर, मेरा नबी होवे दुनिया अंदर बड़े बड़े मुखालफत करन वाले, बड़े बड़े ताने मिणे मारन वाले, अल्लाह की कसम चुक के पियाना, नबी पाक दी नबूवत
ਸਬਬ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਤੇ ਕਈਆਂ ਗੰਦਿਆਂ ਜਹਨਮੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਓਏ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ, ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ। ਓਏ ਬੇਲੀਆ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ, ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਰੇ ਚੋਰੀਆਂ, ਗੱਲ ਫਬਦੀ ਜਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਪੀ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਗੱਲ ਫਬਦੀ ਜਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਏ ਕਲਮਾ ਉਸ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਰਾਂ 'ਚ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੈਰਤਾਂ ਦੇ ਜਨਾਦੇ ਕੱਢੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਫਬਦੀ ਜਚਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇੰਜ ਦਾ ਵਿਆਰ। ਕੋਹੇ ਸਫਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੁਹੱਲੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਚਪਨ ਦਿਆਂ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲੋਕੋ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਦੱਸੋ ਕਿੰਜ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਹੈ ਜਾਦੂ ਓਏ ਜਿਹੜਾ ਸਰ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬਯਕ ਜ਼ਬਾਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣਿਆ 40 ਸਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਕਦੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਬੜਾ ਗੇੜਾ ਦਿੰਦਾ ਜੇ, ਬੜਾ ਵੱਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਸੀ 20,000 ਤੇ, ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਵੇਖੋ, 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਤੀ ਫਿਲਮ ਸੋਚ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦਿਲ 'ਚ ਕੱਢਦਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸੀਰਤ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖ, ਵਿਆਰ ਵੱਲ ਵੇਖ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਬੀਓਂ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਵਸ਼ਮਸ ਕਹੀ ਵੱਲੇਲ ਕਹੀ ਵੱਲ ਫਜਰ ਕਹੀ ਪਰ ਫਰਮਾ ਕੇ, ਵਸ਼ਮਸ ਕਹੀ ਵੱਲੇਲ ਕਹੀ ਵੱਲ ਫਜਰ ਕਹੀ ਪਰ ਫਰਮਾ ਕੇ, ਵੱਲ ਫਜਰ ਕਹੀ ਪਰ ਫਰਮਾ ਕੇ, ਕੁਰਆਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀ ਕੁਰਆਨ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀ ਖੁਦ ਯਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕੀ ਬਾਤੇ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਬਕ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਦੀਸ਼ੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਕਦਾ ਹਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਬਕ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਹਦੀਸ਼ੇ ਪਾਕ ਵਿੱਚੋਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਮਦਨੀ ਦੀ ਬਾਪ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਉਤਰ ਜਾਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਮਦਾਰਸ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਯਾਰ ਅਕਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਹੂਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਦਿਲ ਅਤਾ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਅਤਾ ਕੀਤੇ, ਪੈਰ ਅਤਾ ਕੀਤੇ, ਅੱਖਾਂ ਅਤਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੰਨ ਅਤਾ ਕੀਤੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਅਤਾ ਕੀਤੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨਿਮਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੇ। ਮਗਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਬਕ ਰਾਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਅੰਦਰ, ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਜਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਦੇਣਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਅਤੇ ਸਹਾਬੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਦਰਖਤ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਊਂਠ ਦੀ ਨਕੇਲ ਪਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਮ ਪਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਊਂਠ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਜ ਦਰਖਤ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋਏ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਇਹ ਦਰਖਤ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ। ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਮਤਾਂ। ਉਹ ਲੱਕੜ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ। ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ, ਰਾਤ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ
शराब नहीं पीनी। अल्लाह दे नबी मना कीता है, कदी नहीं सोचिया यार बेहयाई नहीं करनी। अल्लाह दे नबी मना कीता है, कदी नहीं सोचिया अल्लाह दे बंदे हा अल्लाह हू अकबर जुआ नहीं खेलना। अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल मना कीता है, ओए तेरे नालू लक्कड़ चंगी निकली है जिन्हें मेरे नबी का कहना नहीं मोड़िया। तू ईमान भी रखना है, तू मेरे नबी नाल प्यार दे दावे भी करना है, ते गल एक भी नहीं मनदा केड़ा तेरा प्यार है, केड़ी तेरी मुहब्बत है, केड़ी तेरी अकीदत है। ओए मेरे नबी दा दरखत भी कहना नहीं सी मोड़ दे। मजमा जवाब दी एक और हदीस तुहाडे सामने रखा, नबी पाक एक सफर दे अंदर ने अल्लाहु अकबर तशरीफ फरमा, एक इराकी आदमी है ऐन करके देहाती आदमी कोलों गुजरिया, ते हुज़ूर ने उसनूं बुला लिया, जवाना जरा गल सुनना। कहन लगा जी की गल है, ते नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम फरमांदे ने अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना गौर कर दे जाना, नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने अल्लाह दिया बंदे आ कोई खैर दा तलबगार है वे, खैर अंदर कोई दिलचस्पी होवे। वांदा जी हर बंदा ही खैर दा तलबगार है, हर बंदा ही भलाई चाहता है, दसो की भलाई करनी। फरमाया फिर गल सुन, मैं अल्लाह दा नबी हाँ ते सच्चा नबी हाँ, मेरे ते ईमान लिया। उन्हें आख्या जी बड़ी गल अजीब जी गल की जे, बैठे रस्ते अंदर वो चांजी यार लैके, तो मैंने जो गुजरे गुजरे जाते कहता मैं तुम्हें नबी मान लवा। इंज भी भला कोई किसी नबी मनता है, इंज भी कोई किसी पैगंबर मनता है, मैं नहीं मनता। कोई गवाह भी होना चाहिए, कोई सबूत भी होना चाहिए, कोई दलील भी होनी चाहिए। अल्लाह अकबर हज़रत मोहतरम, ते नबी पाक इस्लाम फरमाते ने अच्छा तेनों गवाह चाहिए। जी मैनू गवाह चाहिए, और मैं कुरबान जावा सोने नबी की अजमत तो, मेरे नबी दे यार नाल। मेरे नबी नहीं आख्या चल अबू बकर गवाही दे, उमर तू गवाही दे, उस्मान अली प्यारिया गवाही दो, नहीं नहीं फरमाया जे यार गवाही दी हो सकता एतराज करे, ये तो तुहाडे गुलाम ने, ये तो तुहाडे यार ने। मेरे नबी फरमाया गवाही चाहिए, जी गवाही चाहिए। मेरे नबी नजर दुड़ाई, इंज दूर मेरे नबी नूं एक किकर दा दरखत नजर आया, किकर दा दरखत। नबी पाक फरमांदे ने ओ दरखत वेखदा पिया, कहिंदा जी वेखदा पिया, और आवी कहिंदा दरखत सुकिया होया सी बिल्कुल जनाब, सुका बेजान जा दरखत। ते नबी पाक ने फरमाया वेखदा पिया, कहिंदा जी वेख रहा वेखदा पिया। आका फरमांदे ने अगर ये दरखत बोल के कह छड़े मैं अल्लाह दा नबी हां, फिर तेरा की ख्याल? वो आंदा लो जी इंज किवें हो जाएगा, अगर हो गया मैं हुणे ईमान। मेरे नबी इंज करके इशारा किया शजर, जरा करीबा करीबा, मेरे नबी का इशारा होया, दरखत जमीन विचों बाहर आया, ते मेरे नबी अले भज पिया, अल्लाह दे नबी दे करीब आ गया। और ये पैदल खबरां नहीं, नवाए वक्त च पढ़ी हुई गल्लां नहीं, ये हदीसे मुबारक की गल कर रहा, मैं मुसनद किताबां की गल कर रहा। अल्लाह की तौफीक रहमत दे नाल मैं जिम्मेदार स्टेज का जिम्मेदार खतीब हाँ। बड़ी मुहब्बत नाल गल समाप्त करिया जे, नबी पाक अलैहि सलातु वस्सलाम ने बुलाया, दरखत दौड़ करीब आया, ते मेरे नबी फरमांदे ने शजर इनू दस ना मैं कौन आ, मेरी पहचान करा। दरखत कहिंदा अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल, सोनिया कौन नहीं जानदा तुसी अल्लाह दे रसूल हो, तुसी अल्लाह दे बरगुजीदा इंसान हो, तुसी अल्लाह दे नबी हो। वह बंदा हक्का बक्का रह गया, वह बड़ी बड़ी दुनिया वेखीए बोलदी, दरखत कदी बोलते नहीं वेखे। अल्लाह फरमाते ने इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, मेरे नबी दरख्तां दे भी नबी बन के आए ने। अल्लाहु अकबर, तवज्जो करना गौर कर दे जाना। एक हदीस और सुनावा इमाम तादा हो जाए, अल्लाह दे नबी सफर अंदर नबी पाक ने फरमाया सहाबा यार दोपहर हो गई है, धूप चढ़ गई है, जरा इत्थे आराम कर लिए, ठहर जाइए। रावी बयान करदा है एक दरखत जरा बड़ा घनी छां आ, उहदे थले असी नबी पाक वास्ते चादर बिछा दी, अल्लाह दे नबी उत्थे आराम कर, नाल छोटे छोटे दरखत, असी भी आले दुआले दरख्तां दे थले नीचे लंबे पै गए, ते असी आराम करन लग पए। एक सहाबी कहिंदा मेरे कान अंदर एवें आवाज आई, ते मैं अखां खोलियां वेखिया की है, जिहड़े दरखत थले अल्लाह दे नबी लेटे होए ने उहदे करीब एक जनाब, थोड़ा जिहा उहदे तों दूर एक दरखत है, उह दरखत हिली जांदा है, कंबी जांदा है। मैं वेखे इहनूं की बणिया, की मैं वेखिया उहने जमीन विचों अपणियां जड़ां बाहर कढ़ियां, बड़े जोर नाल बड़ी ताकत नाल जड़ां बाहर कढ़ियां, ते मैं वेखी जांदा इहनूं की बण गया, डिगण लगा किते, मैनूं खतरा बण गया। पर उन्हें टुरना शुरू कर दिता, कदम बा कदम, कदम बा कदम, अल्लाह दे नबी वल आ रहा है। मैं ताजब दे अंदर वेख रहा दरखत तेनू की बड़े है, की प्या करना है। अल्लाह दे नबी दे करीब आ गया, इंज थोड़ी देर इंज करके चुक के खड़ा हो गया, फिर सीधा आया, तो फिर अपनी जगह वापस तुर गया, तो उत्थे जमीन अंदर दोबारा पेवस्त हो गया। अल्लाह को अकबर, अल्लाह दे नबी बेदार होए, तो साहबी कहिंदा सोने ए जरा दरखत वेखते पे हो? फरमाया हाँ वेखदा पिया। अल्लाह दे नबी वेखो ना, इंज लगता जिमें कितने
गया ही कोई नहीं, इतों हिलया ही कोई नहीं। फरमाया तू की कहना चाहना, अल्लाह दे नबी मैं अखां नाल वेखिया है दरखत हुणे हुणे थोड़ी देर पहले जमीन विच उजड़ा बाहर कढ़िया आया तुहाडे करीब, तुहाडे ते चौके साया करके खड़ा रहा, फिर सीधा होया ते वापस चला गया ते अपनी जगह ते जाके पैवस्त हो गया। अल्लाह दे नबी मैं आप वेख्या है, मैं झूठ नहीं बोलता। आका फरमांदे ने सहाबिया मैनू भी पता है दरखत आया सी मेरे कोल, सोणिया किवें आया सी, दरखत किवें टुर पिया, दरखत किवें आ गया। फरमाया अल्लाह दे बंदिया जदों इस दरखत थले आके मैं सुत्ता वहां ते इस दरखत ने अल्लाह नूं आवाजां मारनियां शुरू कर दित्तियां, ए मौला करीम बड़े बरे बीत गए इंतजार अंदर तेरा नबी आएगा, तेरे नबी का दीदार करांगा, मैं सलाम करांगा, अल्लाह दे नबी आणगे, मैं नबी पाक दा दीदार। सोने रब्बा अज तेरा नबी आ गया, नाल दे दरखत थले लेट गया है, जे अज नबी पाक चले गए मैं ना कोल दीदार कर सकिया, रब्बा पता नहीं दोबारा ये मौका लब्बे या ना लब्बे। ओए दरखत भी मेरे नबी नाल प्यार कर दे, दरखत भी मेरे नबी नाल मुहब्बत करन वाले। ओए अल्लाह दे बंदे आ प्यार दरखत दे दिल अंदर मेरे नबी दा इतना त्यादा। अल्लाह अकबर असी तीन सन, ओ यार असी तरसदे पए आ, असी तड़पदे पए आ, मौला कहना प्यार रब्बा किते ख्वाब अंदर ही सोने नबी दा दीदार करा दे, अल्लाह दे नबी दा दीदार लब जाए। दीद तेरी जे पानी मंगे ते मैं खूने ना दे गेड़ा, जी करदा तेनू सामने बिठा के, जी करदा तेनू सामने बिठा के, ते मैं दर्द पुराने छेड़ा। अल्लाह अकबर मेरे नबी नू हजरत मोहतरम अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू वेखण दा दिल ते सारयां दा ही करदा है, सारयां दा। ओए असी ते आम उम्मतियां, अम्मी आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा ना एक दिन अल्लाह दे अम्मी आयशा फरमांदियां अल्लाह दे नबी घर बैठे ते जुत्ती सिलाई कर रहे, जुत्ती सिलाई कर। ओए उलामा ना समझा कर घर दा कोई काम करना पै जाए ते कहना लै मैं इन्हां कम्मां वास्ते, मेरे नबी जुत्ती आप सिलाई कर रहे, ये मजदूरी मेना नहीं। अल्लाह दे नबी अम्मी आयशा फरमांदियां मैं जनाब कुल चला रही हाँ चरखा, चलांदी चलांदी ना ते नबी पाक अलैहिस्सलाम जुत्ती सिलाई कर, गर्मी सी ते अल्लाह दे नबी दी पेशानी मुबारक ते पसीना आ गया, पसीना आया सोने नबी दी पेशानी मुबारक ना पसीना बार बार आने लग पिया, ते मैं वेख्या अल्लाह दे नबी पहले ही एडे सोने सन, ते जदों पसीने दे कतरे हुजूर दी पेशानी ते चमके मेरे नबी दा हुसन और भी वादे हो गया, ते मैं तकी जा रही हाँ, वेखी जा रही हाँ, मुस्कुराई जा रही हाँ, ते हुजूर फरमांदे ने आयशा अज की वेखनी है की तकनी है, ते मां जी फरमा दियां सोहणिया तुहाडा हुसन तकी जानियां, तुहाडा जमाल तकी जानियां। अल्लाह अकबर खुदा दे कामिल ख्याल वरगा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, खुदा दे कामिल ख्याल वरगा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तू वद के सोना किसे दा हुसनो जमाल कोई नहीं, खुदा दे कामिल ख्याल वरगा किसे दा कामिल ख्याल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तू वद के सोना किसे दा हुसनो जमाल कोई नहीं, मैं जाके पुछया अम्मा हलीमा मेरे नबी तो कोई ढेर सोना, मैं जाके पुछया अम्मा हलीमा मेरे नबी तो कोई ढेर सोना, जवाब मिलया अदीम कमला, जवाब मिलया नदीम कमला किसे ने जमया ओ बाल कोई नहीं, मेरे मुहम्मद तू वद के सोना किसे दा हुसनो जमाल कोई नहीं, हजारा यूसुफ दे चान वाले करोड़ मूसा नू मनन वाले, हजारा यूसुफ दे चान वाले
करोड़ मूसा नू मनन वाले मेरे नबी दे बिलाल वरगा नबी दे सोने बिलाल वरगा किसे दा उम्मती बिलाल कोई नहीं मेरे मुहम्मद तू वद के सोना किसे दा हुसनो जमाल कोई नहीं गल समझन वाली है तुहाड़े सामने करा अल्लाहु अकबर कोई भावे मुल्ला ते भावे पीरे कोई भावे दुश्मन ते भावे वीरे कोई भावे मुल्ला ते भावे पीरे कोई भावे दुश्मन ते भावे वीरे जो उस दी सुन्नत तू हट के खावे किसे दा खादा हलाल कोई नहीं जो उस दी सुन्नत तू हट के खावे किसे दा खादा हलाल कोई नहीं खदीजा प्यारी आयशा प्यारी अली प्यारे हसन प्यारे खदीजा प्यारी हफ्सा प्यारी अली प्यारे हुसैन प्यारे नबी दे अहलो अयाल वरगा नबी दे अहलो अयाल वरगा किसे दा अहलो अयाल कोई नहीं मेरे नबी दा हुसैन एडा प्यारा किथे याद है बाबा जी शमसाम अली मोहम्मद शमसाम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह दे वली गुजरे मेरे नबी दे चेहरे दा इस तरह हुसैन बयान कीता फरमांदे मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा वेखां ते मुक जाए दुखड़ा हो जाए हरा दिल जटकियां गल्ला ना सादियां बाबा रावी दा रहण वाला सी अल्लाहु अकबर मैं सदके सोना मुखड़ा जग वेखने दा भुखड़ा वेखां ते कट जाए दुखड़ा हो जाए हरा दिल सुखड़ा ठर जाने अखियां मेरियां जो सुपने आने केरियां कोई चेहरे नू तलवार कहे तलवार दी कोई तार कहे कोई बदल दा लश्कार कहे कोई बिजली दा चमकार कहे मैं चन कहा इंसाफ नहीं चन दा ते चेहरा ही साफ नहीं मैं चन कहा इंसाफ नहीं चन दा ते चेहरा ही साफ नहीं चन दा ते चेहरा ही साफ नहीं चन आप भुखाए दीद दा बज ला के आवे ईद दा इत चन नु पुछदा कौन सूरज दी नीवी तौने इथे यूसफा दी वाह नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं इथे यूसफा दी वाह नहीं कोई उच्ची लैंदा सा नहीं ओ जा पुछ ले हबशी बिलाल नो जिस डिठैया में ना दे लाल नो अल्लाहु अकबर दरख्त मेरे नबी दा दीदार करने वास्ते आया अल्लाह दी कसम बड़ा नसीब आना दरख्त होएगा अल्लाहु अकबर तवज्जो करना गौर कर दे जाना हुजूर फरमांदे जदों मैं आके लेटिया इन्हें अल्लाह नु आवाज़ मारे कहना या रब्बा तेरा नबी आ जा गया है पर सोने नबी दा दीदार अज भी ना कर सकिया ते की मौला मैनू हिम्मत दे मैनू ताकत दे मैं तेरे नबी दा दीदार करा अल्लाह नु हिम्मत दीती है नाले आ के उन्हें मेरा दीदार किया है नाले मैनू सलाम किया है अल्लाहु अकबर पता लगा दरख्त भी मेरे नबी का कहना नहीं मोड़ दे उमती आ तू भी मेरे नबी का फर्मा बरदार बन तू भी मेरे नबी का ताबेदार बन जा अल्लाह दिया बंदिया की फायदा जे लकड़ मेरे नबी का कहना मने ते तू इंसान हो के ना मने कोई फायदा नहीं पहचान मेरे नबी की कदरों मंजलत नू पहचान मेरे नबी की कदर नू अल्लाहु अकबर और तीसरा सबक इस हदीस विचों पता है सानू की पिया मिलता है ये सबक बड़ा हमें तो अल्लाह का वास्ता जे याद करे जे याद मेरे नबी ने इन्हों दोनों दरख्तों करीब लियांदा हजे भी खला बाकी है हजे ओला तैयार नहीं हो गल उथे ही है मैं भुलिया नहीं मैं गल उथे लेके आया अल्लाह अकबर तीसरा सबक मेरे नबी दोनों दरख्तों दिया शाखा पकड़ लिया ने ते मेरे नबी फरमाते ने शजरों मिल जाओ आपस अंदर करो आपस के अंदर इतिहाद एन करके मिलो ना
ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਓ ਆਪਸ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਦੋ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦਰਖਤ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਗਏ ਆਪਸ ਅੰਦਰ, ਜੁੜ ਗਏ ਆਪਸ ਅੰਦਰ। ਹੋਏ ਉਮਤੀਆ ਦਰਖਤ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਹੋਏ ਉਮਤੀਆ ਦਰਖਤ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਡਰ ਆਇਆ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਆਪਸ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਗਏ ਆਪਸ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ। ਹੋਏ ਤੂੰ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਸੱਕੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ ਦਾ ਅਦਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਹੋਏ ਜੁੜੋ ਆਪਸ ਅੰਦਰ, ਕਰੋ ਇਤਫਾਕ ਆਪਸ ਅੰਦਰ, ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਦ ਆਪਸ ਅੰਦਰ। ਮਸਜਿਦ ਹਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦਿਓ ਬੰਦੀ ਭਾਈਓ, ਬਰੇਲਵੀ ਭਾਈਓ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਜੇ ਜੁੜੋ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋ ਇਤਫਾਕ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਰੋ ਇਤਿਹਾਦ ਆਪਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੋਏ ਤੇਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਇਖਤਲਾਫਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਸਾਇਲ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਕਾਫਰ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਾਦਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਇਸਤੰਜੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਖਾਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਟੰਗ ਛੱਡੇ। ਹੋਏ ਅੱਲਾਹ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਔਰ ਯਾਰੇ ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸੱਯਦਾ ਅੰਮੀ ਆਇਸ਼ਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦੇ ਬਹੁਤਾਨ ਬਣੇ ਗਏ, ਬਕਵਾਸਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾਹ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਉਹ ਦਰਦ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇਰੇ? ਹੋਏ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਖੈਰ ਖਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਦਿਲ 'ਚ ਤੜਪ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਲੋਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਦੀ ਜਨਾਬ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੋਏ ਏਡੀ ਚੰਗੀ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਰਾਜਗੀਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਤਰੀ ਜਦੋਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਟਾਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ? ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਸੀਮਟ ਡਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਬਤ ਇੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਇੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਇੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਯਾਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੈਦਾ ਲਾ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਲੈਦਾ ਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਤੂੰ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਲੈਦਾ ਕਰ ਦੇ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਅਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿਣਾ, ਵੀਰਿਆ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਜਾਣਦੇ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਭਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਅਗਰ ਟੁੱਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੀਵਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਫਿਰ ਟੁੱਟੀ ਇੱਟ ਸਾਬਤ ਇੱਟ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਾਬਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲਾਈਏ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਈਏ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਟੁੱਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਛੱਡਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣਗੇ। ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ, ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਛੱਡੇ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਮਾੜਾ ਹੈ ਗਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਂ ਨੇ ਹਾਂ, ਛਿੱਕੋਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਤਲਾਈ, ਛਿੱਕੋਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਤੁਰਦਾਈ, ਛਿੱਕੋਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਕੁਰਸੀ, ਛਿੱਕੋਂ ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਚਾਰ ਪਾਈ, ਡਿੱਗੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠ ਨਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤਿਲ ਕਲ ਅਯਾਮੂ ਨੁਦਾ ਵਿਲੁਹਾਂ ਬਈਨ ਨਾਸ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਏ ਨਾ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ, ਆਓ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਫਿਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰ ਆਇਓ, ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਯਾਰ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ
اختلافات نے تے ایک دوجہ دے قتلان دے منصوبے تک پہنچے ہوئے نا اللہ دیا بدیا ہوئے مسلمان خیر خواہ ہوندہ ہے مسلمان ایک دوجہ نہ پیار کرنے والا ہوندہ ہے ہوئے چھڑو نکے نکے اختلافات رو اے مسجد خدیو بندیاں دیئے فلا مسجد اے جی اہل حدیثاں دیئے اور مسجد بریلویاں دیئے پتہ نہیں تنوں کنے سبق پڑھایا ہوئے مسجد دیو بندیاں دی نہیں ہوندی مسجد بابیاں اہل حدیثاں دی نہیں ہوندی مسجد بریلویاں دی نہیں ہوندی مسجد میرے اللہ دی ہوندی ہے مسجد میرے اللہ دا گھر ہوندا ہے اے ساریاں واسطے ایتھے دیو بندی وی مسلمان ہے اہل حدیث وی مسلمان ہے بریلوی وی مسلمان ہے رحمان کے قرآن کے نبی سلطان کے روڑا کادا ہے ایویں روڑے نہ پایا کر ایویں نہ گلاں تے نہ جایا کر آ فقیر دی گل یاد کر یار آو ساڈا دفاع ہے اللہ دے بندیا ساڈا منہج اے نہیں اوے اسی آپس وچ نہیں لڑنا اسی نبی دے دشمناں نال لڑنا ہے اسی آپس اندر فساد نہیں پھیلانا اسی گستاخ صحابہ دا مقابلہ کرنا ہے اوے تیرا دشمن بڑا تگڑا ہے تو آپس وچ لڑی جانا ہے اللہ دے بندیا جان ایک سوٹی بڑی سوکھی ٹوٹ جاندی ہے جی تیرے چار جوڑ جانتے ٹوڑنیاں اوکھیاں ہو جاندیاں نے اللہ دیا بندیاں جڑو وے اگر چاندی ہو تو آڑیاں صفہ اندر حضرات محترم طاقت تے ہمت آ جائے پھر اتفاق پیدا کر اتحاد پیدا کر وے جاننا ہے جی دو لوگ ٹوٹ جان ایک دوجہ نڑو تے اختلاف آم تے پالٹیاں تے گروہ آم تے پھر کیاں چے بٹ جان تے پھر قدرہ نہیں رہن دیاں قیمتان ڈے کے جاندیاں نے تے جدو جوڑ جائے بندہ پھر قدرہ ود جان دیا نہیں قیمتہ ود جان دیا نہیں اللہ دیا بندیا ویکھیا نہیں جے تیرا ایم این اے تیرا ایم پی اے تیرے علاقے چ ووٹ منگڑ واسطے آئے نا تے اگر او دے سامنے دس بندے پنڈ تو علیحدہ جا کے اونوں کہنا سی تیری سپورٹ کرنی ہے ساڈا فلاں سولنگ بڑا فلاں جگہ تے فلاں جناب جیت لوا فلاں کرا تے ایک پاسے جناب سارا پنڈ جا کے اونوں کہہ چھڈے کہ ساڈے فلاں کم ہون گے اسی سارے ووٹ دیاں گے تے مینوں دسو کدی منی جائے گی سارے پنڈ والیاں دی یا ٹوٹ کے پھر دے دساں بندیاں دی اوناں آکھنا تسی جاؤ گھر نو میں تے سارے پنڈ نال اتفاق چ بڑیاں برکتاں اتفاق دے اندر بڑیاں رحمتاں نے اللہ اکبر ہوئے قدر نہ قدر چاہندے ہو تے پھر اتفاق کرو اللہ اکبر جدا بندہ ٹوٹ جاندا ہے نا اپنے گچھے نالو تے اوندی قدر گھٹ جاندی ہے قیمت گھٹ جاندی ہے اگر اے مندر ویکھنا ہوئے تے آؤ میں تانوں مندر وکھاواں اپنے پنڈ دے جناب چوک اندر جا کسے فروٹ والی دکان تے اوے اتفاق دی برکت میں تینوں فروٹ والی دکان تے وکھانا واں شاید تینوں سمجھ آ جائے فروٹ والی دکان تے جا فروٹ لین واسطے کہ بھائی میں انگور لین واسطے آیا لیا مینوں انگور کیسے نہیں انہیں لیا کے رکھ دیتی اگے پیٹی کی ریٹ لایا اگے 400 روپیہ ریٹ لایا یار مینوں تھوڑے سستے چاہیے نے انہیں ایک تھلوں ٹوکری چکی ہے تے سامنے رکھ دیتی ہے لے لیا 200 روپے کلو لے لے انہیں ویکھیا انگور او بھی سندر خانی مٹھاس بھی کو جی ذائقہ بھی کو جیا کلر بھی کو جیا ڈیزائن بھی کو جیا حیران ہو کے کہندا یار کیڑی عجیب گل او 400 روپے کلو ہے 200 روپے کلو فرق کیے دے اندر انہیں آکھے اللہ دیا بندیا او گچھے نال جڑے ہوئے اپنی خوبصورتی پر قرار رکھی بیٹھے نے اے ٹوٹ کے ڈگ پہنے تھلے تے جڑے ٹوٹ جان گچھیاں نالو انہاں دیاں قیمتاں ڈگ جاندیاں نے انہاں دیاں قدراں کٹ جاندیاں نے اوئے 200 ود قیمت کٹائی بیٹھا ہے اپنے گچھے نالو علیحدہ ہو کے تے جڑا گچھے نال اتفاق نال جڑ کے بیٹھا ہے او اپنی قیمت ود آئی بیٹھا ہے اوئے 12 سیمینار دے رہن والیوں ٹوٹ جاؤ گے قدراں گھٹ جان گیاں جڑ جاؤ گے عزتاں لب جان گیاں آؤ جڑیے آؤ قدم نال قدم ملائیے آؤ ایک دوجے نال اتفاق و اتحاد کریے چھڈ چھوٹیاں گلاں نوں آ پیار دیاں محبتاں دیاں گلاں کریے اوئے اساں نبی دے دشمناں دا مقابلہ کرنا ہے اوئے اج ختم نبوت دے ڈاکے وجدے پے نے تے تینوں اپنے رولیاں دی پئی ہوئی ہے صحابہ بیجتاں اینا بغیرتاں دلام کی تھیاں بزاراں دی اندر تے تینوں اپنے اختلافاں دی پئی ہوئی ہے اللہ دا واسطے میں دلوں پیانا جڑوں آپس اندر اوئے آج بھی نہ سنیو تسی ملے آپس اندر نہ اتحاد کی تب اللہ دی قسم ہے زوال ہی زوال ہوئے گا جدا دل کرے گا او تہاڈے نبی دے خلاف بکواس کر چھڈے گا جدا دل کرے گا صحابہ دے خلاف بھونکے گا آؤ جڑو آپس اندر اللہ اکبر اسا ختم نبوت دا پہرے دار بن اور دسنا دنیا قادیان نو
इंशाअल्लाह जदों तक साडा एक बच्चा भी सुनिया दा जिंदा है असी कोई खत्मे नबुव्वत दा मुनकर रहन देना असी इंशाअल्लाह नबी पाक दी खत्मे नबुव्वत दे पहरेदार जे जीने आ की समझे असम्बलियां च वाड़ वाड़ के ते असी जनाब इत्थे एर कानून लै आवांगे ओए बोटियां करानियां बर्दाश्त ने नबी दी खत्मे नबुव्वत ते डाका बर्दाश्त नहीं करांगे अल्लाहु अकबर अगर तुसी इतिहाद करने वाले बन गए हो इतफाक करने वाले बन गए हो तो सुनो फिर मदनी का पैगाम पढ़ा इमाम ताला करा ये खत्म नबूवत के पहरेदार आ गए ए वीडियो बन रही है भाई इशफाक इस्लामिक सेंटर दे रही ए दुनिया ते पैगाम जाना है ओए 12 सेमिनार वाले हो जो बंदी हो बरेलवी हो अहले हदीस हो आओ दुनिया नु पैगाम देइए असी नबी दी खत्म नबूवत वास्ते इकट्ठे हैं इंशाअल्लाह असी साहबा की हुरमत वास्ते कट्ठे हाँ रसूल की हुरमत वास्ते कट्ठे हाँ ये खत्म नबूवत के पहरेदार आ गए अल्लाह की जन्नतों के तलबगार आ गए अल्लाह की जन्नतों के तलबगार आ गए ये सुन्नी वहाबी के झगड़ों को मुका कर बस आमिना के लाल के परचम को उठा कर बस आमिना के लाल के परचम को उठा कर बन कर गुलाम सारे ये सरदार आ गए बन कर गुलाम सारे ये सरदार आ गए ये खत्म नबूवत के पहरेदार आ गए ये खत्म नबूवत के पहरेदार आ गए वो अमर सरी हो के अताउल्ला बुखारी गल याद आई है वो अमर सरी हो के अताउल्ला बुखारी अताउल्ला बुखारी वो मेहर अली हो के मौलाना भटालवी वो मेहर अली हो के मौलाना भटालवी उनके ये बेटे हो के अब तैयार आ गए उनके ये बेटे हो के अब तैयार आ गए अल्लाह की जन्नतों के तलबगार आ गए ये खत्म नबूवत के दिल से दाई बने ये सारे मसलकों के भाई भाई बने ये खत्म नबूवत के दिल से दाई बने ये सारे मसलकों के भाई भाई आई बने चेहरों पे इनके देखो तो अनवार आ गए अल्लाह की जन्नतों के तलबगार आ गए होलिया अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ अल्लाह दी रहमत नाल गल्लां बड़ियां मेरी चोली च ने तुसी भी थके बैठे हो मैं भी जुमा पढ़ाना है इंशाल्लाह फिर आए तो फिर तफसीली बातें होणगियां अल्लाह कोल दुआ है जो सुनिया सुनाया अल्लाह सानू सारे नू उहदे ते अमल दी तौफीक अता फरमाए मैनू भाई ने ना बार बार एक रिक्वेस्ट की सी अगर इजाजत दियो तो मैं सुना दें दो जुमले उहदे माँ माँ की अजमत के हवाले भाई मैनू गुजारिश की चलो मैं सुना देना जे टुर गई ही कबर अंदर ओ चलिया माँ नहीं लभनी ओ बंदिया माँ नहीं लभनी जे टुर गई है कबर अंदर ओ चलिया माँ नहीं लभनी ए हो जई मीठी ते ठंडी किते भी छा नहीं ओ लबनी ओ चलिया माँ नहीं ओ लबनी तू कर खिदमत दुआवाले सदाएं साथ नहीं रहना ना भुल जामी के माँ वल्लों कदें भी ना नहीं ओ लबनी
ओ चलिया मां नहीं ओ लबनी, ओ बंदिया मां नहीं ओ लबनी। जदों दुनिया सताएगी तेनू मां याद आएगी, उदों मां याद आएगी। तू रो रो के पुकारेगा, तू रो रो के पुकारेगा, पर उदों हां नहीं ओ लबनी, ओ चलिया मां नहीं ओ लबनी। रुलावेगा सतावेगा जे दिल मांदा।